Pranam dosto, this side is Professor Chirag. This topic will be covering about offence. Bailable offence kya hota hai, non-bailable offence kya hota hai, aur bail kya hota hai, aur anticipatory bail kya hota hai. I'm just going to take your 5 to 10 minutes, jiske andar apne sab discuss kar lenge. Now first, try to understand, what do we mean by offence? Kya har cheez offence hai? To dekho, offence ko do tarike se bataya gaya. CRPC offence ko kuch aur bolta hai, aur IPC offence ko kuch aur bolta hai. CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. भाई CRPC क्या कहता है कि कोई भी चीज किसी भी एक्ट के अंदर, खाली मेरे नहीं, किसी भी एक्ट के अंदर आपने अगर गलत किया जिससे किसी को तकलीफ हुई और वो आपके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहता है, तो ऐसे केस में आपने क्या किया है? ऑफेंस किया है. सिंपल इनफ, ये CRPC का कहना है. IPC बोलता है, मतलब इंडियन पिनल कोड, कि मेरे अंदर जो चीज लिखी गई है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मेरे हिसाब से ऑफेंस सिर्फ क्या है? वही है जो मैंने लिखा है. जबकि CRPC ने क्या बोला कि यार मैं तो खाली प्रोसीजर बताता हूं, तो मैं तो तुमको प्रोसीजर बता दूंगा कि अगर तुमने किसी के साथ भी कुछ भी गलत किया तो CRPC प्रोसीजर बताएगा कि आपको कैसे ट्राई करना है. ट्राई मतलब आपके ऊपर केस कैसे चलेगा. तो ऑफेंस का मतलब क्या होता है? एनी एक्ट जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा है और आपको एलिगेशन के बाद आपके खिलाफ क्या की गई है? एक कंप्लेंट की गई है. कंप्लेंट कहां की गई है? कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है. एज सिंपल एज दैट, ये होता है ऑफेंस. अब बेटा देखो, ऑफेंस है तो मतलब अरेस्ट भी होगा. ऑफेंस है तो अरेस्ट भी होगा. अच्छा, अभी के लिए इतना मान लेते हैं कि आपने जो ऑफेंस किया जिसकी वजह से आप अरेस्ट हो गए. अब अपन आते हैं अरेस्ट होने के बाद. बेटा ऑफेंस होते हैं दो तरीके के. आप एक ऑफेंस बोलते हो बेलेबल ऑफेंस, और दूसरा आप बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस. अच्छा, अब है ना, यहां पे मेजॉरिटी लोगों की गलती होती है भाई. पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस मींस एनी काइंड ऑफ ऑफेंस जिसके अंदर आपको बेल मिल सकती है अगर आपने बेल मांगी तो. बेलेबल ऑफेंस मतलब यू हैव द राइट टू आस्क फॉर बेल, और अगर आपने बेल मांगी तो कोर्ट आपको बेल देगी. कुछ कुछ केसेस में तो पुलिस थाने से आप लोग बेल करा के निकल सकते हो. अच्छा, नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने नॉन बेलेबल का मतलब आपको ये बताया होगा, ऐसे केसेस जहां पे बेल नहीं मिलती इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस. यार ये सबसे गलत इंटरप्रिटेशन है, होता ही नहीं ऐसा. अच्छा, अगर आप ऐसा है तो मेरे एक फ्रेंड है जिनके ऊपर एक मर्डर का केस था. अब मर्डर तो बहुत बड़ा क्राइम है, नॉन बेलेबल ही होगा. यार फिर भी मर्डर केस में बेल नहीं मिलती. मिलती तो है, तो आप क्या बोल रहे हो? नॉन बेलेबल ऑफेंस था, मर्डर भी कर दिया, फिर भी बेल लेके आ गया, फायदा क्या था? अब बेटा बात समझना, बेलेबल ऑफेंस में बेल मांगना आपका राइट होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मांगना आपका राइट नहीं. बेल देना कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. इसका मतलब है कि आप अपनी कोशिश करो, अगर कोर्ट को लगता है कि हल्की सी भी गुंजाइश है कि आपने शायद एक क्राइम ना किया हो, तो कोर्ट इस नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपको क्या दे सकती है? बेल दे सकती है. पर क्या आप राइट कर सकते हो कि नहीं मेरे को तो चाहिए चाहिए बेल? कभी नहीं हो सकता. पर इसी जगह पर अगर बेलेबल ऑफेंस हुआ तो 100% बेल मिलेगी. आपने अरेस्ट हुए, आप ऑन द स्पॉट बेल ले सकते हैं, बात खत्म. तो ये दो तरीके के ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल. अच्छा, अब है ना, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था बेल बेल, तो नाउ What do you mean by bail? हिंदी में बोलूं तो क्षमा याचिका, माफी मांग रहे हो कि भाई गलती नहीं किए फिर भी हमें अरेस्ट कर लिया है, एक बार के लिए छोड़ो, हम प्रूव करके दिखा देंगे कि हमें गलत अरेस्ट किया गया है. याद रहे, बेल सिर्फ तभी मिलती है जब आप कोर्ट के सामने ये डाउट क्लियर कर सकते हो, ये डाउट क्रिएट कर सकते हो कि भाई ऐसा भी चांस है कि शायद आपने ये गलती ना की हो. तो बेल का मतलब क्या होता है? एक एप्लीकेशन जिसके अंदर आप अप्लाई करते हैं रिलीज ऑफ एन अक्यूज. बेटा अक्यूज का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर खाली इल्जाम लगाए, प्रूव नहीं हुआ है, खाली इल्जाम लगाए. सो बेल का मतलब है रिलीज ऑफ एन अक्यूज. अच्छा, खाली इतना सा नहीं, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द स्टेट, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द स्टेट. भाई रिलीज कर दिया आपको फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द स्टेट, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है. और ये कस्टडी किसको दी जाती है? प्राइवेट कस्टडी को. मतलब क्या? आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं है तो कोई और. पर बेटा याद रहे, ये जो लोग आपकी प्राइवेट कस्टडी मांग रहे हैं, इनको अपन सबसे पहले बोलते हैं कि लाओ तुम श्योरिटी भरो. श्योरिटी भरो का मतलब क्या होगा? अगर कल ये आदमी नहीं आया तो हम कहां से लाएंगे इसको? ऐसे केस में अगर ये आदमी नहीं आया तो हम आपको अरेस्ट मारेंगे. अब एक फन फैक्ट बताता हूं,
यूजुअली श्योरिटी देते वक्त अक्यूज्ड की माँ को श्योरिटी नहीं बनाया जाता प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के दर्द भी उठाने को तैयार हो जाएगी, भगा देगी, तो इसलिए हम कहते हैं माँ नहीं, कोई मामा लेके आ, ताकि हमें पक्का विश्वास रहे कि तेरे को ढूंढ के वापस लेके आएगा। इसीलिए आप लोग बेल देते वक्त क्या बोलते हैं कि एक बार एक या फिर दो श्योरिटी लेके आओगे। इसी बेल के अंदर एक और चीज आती है जिसको आप बुलाते हो एंटिसिपेटरी बेल। अच्छा, इसको भी है ना पता नहीं लोगों ने क्या अलग लेवल पे पहुंचा रखा है। पहली बात, एंटिसिपेटरी बेल का हिंदी मतलब समझ लो अग्रिम जमानत। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब अग्रिम जमानत, मतलब कि अरेस्ट होने के पहले ही जमानत मांग लेना। अब पहली चीज समझनी है कि एंटिसिपेटरी बेल आप मांगते कब हो, जब आप अरेस्ट हो चुके हो या होने वाले हो? होने वाले हो, क्यों? क्योंकि भाई बेल मांगी जाती है अरेस्ट होने के बाद, एंटिसिपेटरी बेल मांगी जाती है अरेस्ट होने के पहले। तो ऐसा इंसान जिसको अनुमान है कि उसने कोई ऑफेंस किया है जिसके लिए उसको फ्यूचर में क्या किया जाने वाला है, अरेस्ट किया जाने वाला है, वो अप्लाई करता है अपने लिए एंटिसिपेटरी बेल। अब आपने कहा सर कहां अप्लाई करता है एंटिसिपेटरी बेल, तो हमने बोला कि एंटिसिपेटरी बेल बेस्ड ऑन योर ऑफेंस या तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सेशन कोर्ट में अप्लाई करते हैं। तो एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में भी लग सकती है, सेशन कोर्ट में भी लग सकती है। अच्छा, अब हमने कहा सर कौन से ऑफेंस में एंटिसिपेटरी बेल लग सकती है, अब दिमाग लगाना यार बेटा। बेलेबल ऑफेंस में तो क्या आपको 100% बेल मिलने ही वाली है, तो क्यों बेलेबल ऑफेंस में एंटिसिपेटरी बेल मांगोगे जब तुमको पता है कि बेल मिलना तुम्हारा राइट है, अरेस्ट होते वक्त ही तुमको बेल दी जा सकती है। एंटिसिपेटरी बेल कहां मांगी जाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। हमेशा याद रखना बेटा, आपने जो ऑफेंस किया है ना वो हमेशा क्या होगा, नॉन बेलेबल होगा। अगर आपका ऑफेंस है नॉन बेलेबल और आपको लगता है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं तो आप कहां जाते हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो आप लोगों को एंटिसिपेटरी बेल देता है। पर सर सबको एंटिसिपेटरी बेल दे देंगे क्या? अब एक चीज, एंटिसिपेटरी बेल देने से पहले कोर्ट क्या करती, बहुत सिंपल सा काम, कोर्ट बोलती झगड़ा ही खत्म कर दो। अच्छा, अगर कोई केस है तो यहां पे कम से कम दो पार्टीज होंगी, एक जिसने कंप्लेन की है, एक जिसपे कंप्लेन हुई है। भाई जिसपे कंप्लेन हुई है वो मेरे पास आएगा बेल मांगता हुआ कि मेरे को क्या चाहिए, एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। अच्छा, मेरे को तो क्या दिक्कत है, कोर्ट कहती है मेरे हिसाब से तो एवरीवन इज इनोसेंट, हर कोई ईमानदार है जब तक उसे आप पापी प्रूव ना कर दो। एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ऐसे केस में हमने क्या बोला कि सेशन कोर्ट क्या करेगा, ऑपोजिट पार्टी को ये राइट देता है कि भाई एक बार तू आ जा, हम तेरे को क्या दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई अक्यूज्ड मेरे पास आया है और अक्यूज्ड का कहना है कि भाई मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, और तू क्यों हमें समझा सकती है कि क्यों हम इसे एंटिसिपेटरी बेल ना दें। अगर तूने इस चीज समझा दी कि भाई इसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं देनी चाहिए, हम नहीं देंगे। पर अगर तू हमें नहीं कन्विंस कर पाई कि नहीं सर इनको एंटिसिपेटरी बिल क्यों नहीं देनी चाहिए, ये डाउट हमारे दिमाग में रह गया, तो ऐसे केस में हम अक्यूज को क्या दे देंगे, एंटिसिपेटरी बिल दे देंगे। बस यहां पे एंड में एक चीज ही कहनी है, जैसे ही आप एंटिसिपेटरी बिल लेने आए, अगर उससे पहले भी आप अरेस्ट हो गए तो आपकी एप्लीकेशन एंटिसिपेटरी बेल से चेंज होकर क्या बन जाएगी, बेल एप्लीकेशन बन जाएगी। बस इतना सही फर्क होता है एंटिसिपेटरी बेल में और बेल के अंदर। तो अपन लोगों ने ऑफेंस कवर कर दिया, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल क्या होता है और एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीजें बताएंगे सीआरपीसी के बारे में। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। जय हिंद।